हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड मस्त होंगे। एंड आज का ब्लॉग आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, ऐसे थंबनेल से तो पता चल ही जाता है, और फिर भी ये ब्लॉग हमारा दोलो पूर्णिमा जो है 25 तारीख को वो रिलेटेड है, उस रिलेटेड है, क्रिस्पी के रिलेटेड भी है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग देर न करके स्टार्ट करते हैं। शाम हो रहा है और मैं जा रही हूँ शाम का आरती करूँगी, और इसके साथ होली के लिए थोड़ा प्रिपरेशन भी करना है। खुशी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, वो बहुत इंटरेस्टेड है। मामा मैं भी आज तो आपके साथ हेल्प करूँगी, तो वही जा रही हूँ। तो पहले जा रही हूँ, थोड़ा रेडी कर दूँगी जो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आज की रेसिपी के लिए। एंड खुशी बाहर बैठी है अपने पापा के साथ, एंड वो भी आ जाएगी, ज्वाइन कर लेगी मुझे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट मैं आरती कर लेती हूँ और फिर रेडी कर लूँगी गुजिया। हमारे यहाँ इसको तो करण जी बोलते हैं, गुजिया नहीं बोलते, और फिर भी आप लोग इसको मतलब उड़ीसा के बाहर इसको गुजिया बोलते हैं, तो वही मैं आज थोड़ा बनाने जा रही हूँ। चलिए चलिए दोस्तों, लेट्स एंजॉय दिस ब्लॉग। गुजिया बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस वाली कटोरी में 2 कटोरी मैदा, और होगी और थोड़ी सी पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत ही कम है, नमक ऐड करूँगी। और ये मेरा घर का बना है शुद्ध देसी घी, इसको ऐड करके एक डो बनाऊँगी पानी के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ। एंड ये है मेरा स्टफिंग के लिए, ये नारियल एक कद्दूकस करके रख दिया है, छोटा वाला नारियल है। और ये मैंने हाफ कटोरी रावा ले लिया है, मैं इसको आज ये स्टफिंग थोड़ा अलग स्टाइल में बनाऊंगी। वैसे तो सिर्फ हमारे यहाँ नारियल में बनते हैं, पर आज मैं नारियल और रावा और सूजी और ड्राई फ्रूट यूज करके बनाऊंगी एक स्टफिंग। अब आपको चीनी के साथ इसको बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहले इसका डो बना लेते हैं। देखिए अच्छे से मिल गया ये घी के साथ, और ये देखिए किस तरह का बाइंडिंग हो रहा है। देखिए यहाँ तक हमें अच्छे से मिला के फिर इसके बाद ही पानी ऐड करेगा। देखिए तो ये देखिए दोस्तों, मेरा बन गया एक टाइट सा डो। और ये देखिए इसको मैं ना थोड़ी कवर कर लेती हूँ 10 मिनट के लिए, और अब चलती हूँ मैं अपना स्टफिंग के लिए। पहले मैंने कढ़ाई गर्म कर दिया, और ये देखिए नारियल को पहले मैं थोड़ा भून लेती हूँ ताकि इसमें से जो थोड़ा मॉइस्चर है ना इसमें से निकल जाए। ये ना बिल्कुल भी मतलब इसमें थोड़ा भी पानी नहीं लगा, नहीं तो गुजिया एक्चुअली इसका लाइफ टाइम थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए हमें सूखा वाला स्टफिंग बनाना है, इसलिए मैं पहले नारियल को थोड़ा इसमें भून लूँगी ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है सब निकल जाएगा। तो अब देखिए नारियल से पूरा पानी मुझे लगता है इतना सूखा हो गया है, इसको मैं एक ठिकाने निकाल देती हूँ। थोड़ा इसमें डाल दूंगी घी, घी में थोड़ा मैं फिर ड्राई फ्रूट इसकी ही ले रही हूँ क्योंकि यही मेरे बच्चे खाते हैं, तो किशमिश वगैरह कुछ नहीं ले रही, उसको थोड़ा मैं फ्राई कर देती हूँ तेल में, और क्या कह रही वो डाल देती हूँ। मैं एक साथ मिला के और थोड़ा घी दे दूंगी, मिला के अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक
देखिए सूजी का थोड़ा कलर चेंज हो गया है, आप इसमें मैं चीनी डालूंगी, जितना सूजी लिया है ना बस सेम अमाउंट की चीनी डालूँ, थोड़ा मीठा कम हो जाता है। देखिए पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं देना है, चीनी डाल दिया और जैसे ही मिल जाएगा इसको निकाल के ये नारियल को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐसे हो गया मेरा सूखा वाला स्टफिंग। मैं इसी मेथड में ही बनाती हूँ स्टफिंग को, और आप जो कैसे बनाते हो या फिर आपको पसंद आया कि नहीं आप प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स। देखिए इसमें मैंने मेरा जो नारियल भून के रखा था उसको भी डाल दिया, ऐसे एक साथ ही सबको भून लूँगी, और थोड़ी इलायची पाउडर बचा है उसको डाल देते हैं। देखिए ये है मेरा इलायची पाउडर, इसको डाल दूँगी और यही पर मेरा बन गया है मेरा टोटल स्टफिंग का प्रोसेस। गैस बंद हो गया, इसको मैं थोड़ी ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ। देखिए बना रही है गुजिया। ऐसे वो डिजाइन भी हो गया इधर। हाँ डिजाइन हो गया किसी का, देखिए कितना अच्छा डिजाइन। आपका तो कुछ नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ, मेरा तो हो गया। अरे ये तो चिपक गया। इसको मैं बिना सांचे में बना रही हूँ, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, तो किनारों में सारा पानी लगा दिया। अब इसका देखिए और फ्रेंड्स देखिए इसी तरह मैंने सांचे में इतना सारा बनाया है, और हाथ में देखिए बिना सांचे के मैंने ये सब बनाया है, और भी है बना रही हूँ। ओके तो इस साथ ही में मेरा तेल भी गर्म हो गया है, इसको ना तलने के लिए ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, तो मीडियम हीट ही किया है, अभी जा रहे हैं इसको डाल। ओके इतना गर्म ही ठीक रहेगा। मैदे का जो बनता है जो भी खाना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए। इसमें स्टफिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए दोस्तों इसका कलर बिल्कुल भी गोल्डन कलर हो गया है, एंड इसी स्टेज में मैं इस कलर को निकाल देती हूँ। मेरा कलर दर्द हो रहा है, गला में क्यों पता नहीं।
बन गया है और आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी है उसका अंदर का ये जो फीलिंग है। आ जाइएगा तो वीडियो में बने रहिए। और भी आगे है, आज पूजा है रात में और हमारे यहाँ दो लोग पूर्णिमा में कैसे पूजा आता है वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे ले जाते हैं। रात का 11 बज रहा है, सबका खाना पीना डिनर ख़त्म हो गया है और खुशी और हस्बैंड वो लोग सो रहे हैं। अब मैं अपना सारा जो बच्चा था वो सारा काम ख़त्म करके अभी साफ सुथरा कपड़ा पहन के आ गई हूँ और पहले मैं साफ़ कर दिया आंगन वगैरह, तुलसी जी उनको अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर अभी देखिए वो ठाकुर जी के पास हमारा ये भोग लगता है वो सब अरेंज करके रख रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ दोलो पूर्णिमा के पहले का दिन होता है जिस दिन गांव के मंदिर से ना दोलो गोविंद आते हैं, गांव के हर घर में जाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है, उनका पूजा भी किया जाता है। इसलिए आज शायद ठाकुर जी उनको आते आते 2:30 बज जाएगा, इसलिए मैं जितना भी टाइम है अभी से ही सारा काम मतलब जो भी चीज़ें हमारे पूजा में लगता है सब कुछ मैं अरेंज करके जैसे भोग वगैरह दिया धूप और पानी और अभी जो रंग होता है वो सारा मैंने अरेंज करके रख दिया है और अभी लगभग मेरा सारा काम ख़त्म होते होते 12 बज गया है और उसी बीच मेरा गले में बहुत ज़ोर से खराश भी हो गया है। मैं जा रही हूँ गर्म पानी से थोड़ा कुल्ला कर दूँगी और 2 घंटा रेस्ट ले लूँगी, फिर शायद ठाकुर जी आएँगे 2:30 बज जाएगा तो अभी थोड़ा टाइम है, 2 घंटे जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। देखिए अभी रात का बज रहा है 3 और वो लोग पड़ोसी के घर में उनका पहले पूजा होता है और फिर दो लोग गोविंद गांव के मंदिर से आते हैं। यहाँ पर 2 ही फैमिली है और देखिए वहाँ पर पहले उनके घर जाएंगे और फिर आएंगे हमारे यहाँ। उठ चुके हैं, खुशी देखिए उड़ गई। दोस्तों टाइम हो रहा था 3 बज रहा था और ठाकुर जी के आने का टाइम फाइनली हो गया। वो जब आते हैं बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत जोर से गाना बज रहा था तो उसी में हम लोगों का नींद टूट गया और हम सब उठ के साफ सुथरा कपड़ा पहन के रेडी हो गए हैं, उन ठाकुर जी का स्वागत करेंगे और उनके साथ ब्राह्मण भी एक आया है वो भी पूजा करके। वो हमारे यहाँ तुलसी जी के मतलब यही जो वृंदावती जी के पास ही उनका पूजा होता है, वो घर के अंदर नहीं आते बस बाहर से ही थोड़ा भोग आके चले जाते हैं। और इसी बीच खुशी भी इस साल उठ गई है, वो कह के सोई थी मामा मुझे इस साल देखना है तो इसी तरह, और वो आए और उनका स्वागत भी हो गया, पूजा भी ख़त्म हो गया और कल दोलो पूर्णिमा है तो आज का ये पूजा हमारे यहाँ सम्पन्न हो रहा है। एंड अभी जा रहे हूँ दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे और हाँ फैली में नींद उठ गई, इसने मुझे भूल के सोई थी मुझे देखना है, उठ गई एक ला लिया उठ गई लड़की। कुछ भी खा लो जो मन का है। नहीं खाने वाला।